Very good morning, students. Welcome to your class on economics. Today we are going to start with our first chapter, macroeconomics, chapter 7, aggregate demand, aggregate supply, and related concepts. So yesterday I shared a reference video with you wherein that person has tried to explain you the aggregate demand. So today we are going to cover the concept of AD, and in this chapter we'll be focusing on aggregate demand, components of aggregate demand, concept of aggregate supply, consumption function, saving function, and relationship between propensity to consume and propensity to save. ठीक है, तो आज का जो हमारा topic रहेगा that is concept of aggregate demand. अब demand word is really not at all new for you. आपने पहले भी 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. ठीक है, वी यूज टू स्टडी अबाउट दी लॉ ऑफ डिमांड. हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में डिमांड पढ़ा है, हमने प्रोडक्शन फंक्शन में डिमांड पढ़ा है, एंड वी हैव स्टडीड दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब जो है हम डिमांड कवर कर रहे हैं, बट इट इज़ एन एग्रीगेट डिमांड. और एग्रीगेट जो वर्ड होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन वी स्टार्टेड विद क्लास 12, मैक्रो इकोनॉमिक्स में द टर्म एग्रीगेट इज़ यूज एट यू नो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा एग्रीगेट. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर सेक्टर्स दैट आर ऑपरेटिंग इन अ इकोनॉमी. ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी कंज्यूमर की बात नहीं हो रही कि कंज्यूमर कितनी डिमांड रखता है, या एक प्रोड्यूसर के पर्टिकुलर गुड की कितनी डिमांड आ रही है, या कितनी इनकम है इकोनॉमी की, या कितनी इनकम है किसी पर्टिकुलर पर्सन की और उसके बेसिस पे उसकी डिमांड कितनी है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट इन टोटल कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो जितने भी यू नो द पीपल आर देयर इन द इकोनॉमी, हाउ मच आर दे डिमांडिंग फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जिसके बेसिस पे हम एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि एडी डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड और सर्विस इन द मार्केट, इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि सिंस हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी में जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन सब की डिमांड को जब हम कंसिडर करते हैं इन टोटल, तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है. ठीक है, नाउ दिस एग्रीगेट डिमांड इज़ ऑफन मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, तो इसलिए इसे फ्लो कॉन्सेप्ट कहा जाता है. ऐसा नहीं है कि हमने साल का कोई एक दिन चूज़ कर लिया और उस दिन हमने चेक किया कि ओवरऑल जो है एक मार्केट में कितनी डिमांड आ रही है सब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की. ऐसा नहीं है, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ये थ्रू आउट द ईयर जो है मेजर किया जाता है. ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट इज एडी कैन बी मेजर्ड विद reference to general price level in the economy or with the reference to level of income of the people. तो जब हम aggregate demand measure करते हैं तो हम दो चीज़ों को consider करते हैं, एक कि इस time पर general price level economy में कितना चल रहा है, कि whether economy is running inflation or there is deflation, कि overall जो है goods के prices बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. एक तो जनरल प्राइस लेवल की बात की जाती है जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, और हम बात करते हैं द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो जनरल प्राइस लेवल में अगर हम देखेंगे, अगर आपको याद हो 11th में जब हम डिमांड के बारे में पढ़ते थे तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो यहाँ पर भी जब हम जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे कि अगर तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन में चल रही है कि प्राइजेस जो है ओवरऑल सब प्रोडक्ट्स के बढ़ रहे हैं, तब तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाती है सबकी. और अगर जनरल प्राइस लेवल जो है वो कम हो रहा है तब एग्रीगेट डिमांड जो है ओवरऑल बढ़ जाती है. तो यहाँ पर भी देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एंड इनकम का ऑफकोर्स जैसे हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि जब इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ता था तो वो ज़्यादा डिमांड करता था गुड्स की, तो यहाँ पर भी यही है कि जब इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी जितने लोगों के हाथ में, तो उनकी जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी. तो एडी का जो कर्व होता है इट विल स्लोप अपवर्ड.
ओके नाउ एट प्लस टू लेवल मतलब इस क्लास में इन 12th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी एग्रीगेट डिमांड ओनली इन द रिलेशन विद द लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि हमें जो है एडी जो है इट राइजेस विद द लेवल ऑफ इनकम. सो हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी एज पर आर सिलेबस वी विल ओनली फोकस ऑन एग्रीगेट डिमांड एज पर द लेवल ऑफ इनकम. तो ऑफकोर्स जो हम एडी पढ़ेंगे उसका जो कर्व होगा जो ग्राफ होगा इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज वी आर स्टडिंग इट इन द रिलेशन ऑफ इनकम ऑफ द पीपल. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोगों की वैसे वैसे ओवरऑल उनकी डिमांड भी ग्रो करती है. तो हमारा जो एडी का जो कर्व होगा जो हम इस अभी इस यूनिट में या आगे फर्दर सब्सिक्वेंट यूनिट्स में पढ़ेंगे यू विल सी दैट योर एडी विल ऑलवेज बी अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज वी आर स्टडिंग aggregate demand in relation to the income of people, not in relation to the price of the goods and services. ठीक है. And one more thing class, हो सकता है कि you know since I am taking the PDF copy of the you know book, तो हो सकता है कि आपको क्लैरिटी में कंटेक्स्ट टेक्स्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम हो जैसे पहले आती थी. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जब आप ये क्लास समझ रहे हो या जब ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में जो है आप अपनी बुक भी अपने पास रखिएगा कि इन एनी केस अगर आपको वीडियो में चल रही स्क्रीन पे अगर आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ा जा रहा तो ये सेम वही बुक वाला ही टेक्स्ट है तो आप अपने बुक से भी रेफरेंस ले सकते हो. ठीक है. सो इस चीज़ का कोई इशू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो की क्लैरिटी ठीक नहीं है. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द ऑडियो दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. ठीक है. कंटेंट सारा आपके पास अवेलेबल है, आपकी बुक्स आपके पास है. आप अपनी बुक्स को साइमल्टेनियसली ओपन कीजिए, वीडियो साथ में चलाइए और बुक के जो भी कंटेंट है उसको रीड करते जाइए और वीडियो के थ्रू उसको समझते जाइए. ठीक है. सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट एडी इज मेजर्ड नॉट एज अ सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी. इन फैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो. अब ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जब हम मेजर करते हैं तो वी आर नॉट एक्चुअली यू नो काउंटिंग दी फिजिकल क्वांटिटीज की एक्चुअल में पर पर्सन जो है कितनी डिमांड आ रही है गुड्स की. ठीक है. क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है. हम किस बेसिस पे हम जो है एग्रीगेट डिमांड जो है मेजर कर सकते हैं. इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज कि जितना लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया है वो तो हमें पता चल सकता है ना. हम टैक्स के थ्रू उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ने इस साल में कितनी स्पेंडिंग की है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दैट अ पर्सन हैज़ मेड. ठीक है. तो उसको क्यूमुलेट करके उसको टोटल करके वी कैन फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर दैट यू नो दैट हैज़ बीन डन इन एन इकोनॉमी रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज. तो वी विल नेवर काउंट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड इट वुड नेवर हैपन दैट वी आर एक्चुअली काउंटिंग द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हाउ मच डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कमिंग इन द इकोनॉमी. ठीक है. और फिर उसको बाद में ऐड कर दिया तो ऐसा नहीं होता. वी ऑलवेज फोकस ऑन द एक्सपेंडिचर दैट इज़ बीन डन बाय द पीपल लिविंग इन द इकोनॉमी ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने खर्चा किया है तो उन्होंने कंजम्पशन की होगी तो जो जो प्रोड्यूस हुआ है वही कंज्यूम हुआ होगा. तो यहाँ पर वो हम चीज़ मान के चलते हैं कि जो जितना उन्होंने खर्चा किया है उतनी ही डिमांड रही होगी. ठीक है. एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. क्योंकि ये हाइपोथेटिकल अजम्पशन पे बेस्ड है. इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं दैट आर ऑल बेस्ड ऑन अ हाइपोथेटिकल अजम्पशंस. तो यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एन अजम्पशन दैट वी आर नॉट एक्चुअली काउंटिंग ऑन व्हाट दे हैव एक्चुअली स्पेंड ऑन यू नो पर्टिकुलर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रादर वी वुड फाइंड आउट दैट व्हाट दे एक्चुअली विश टू स्पेंड और व्हाट दे आर प्लानिंग टू स्पेंड ऑन यू नो एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. कि अगर सपोज इकोनॉमी में जनरल पब्लिक की इनकम जो है वो अपवर्ड जा रही है. ठीक है. इकोनॉमी जो है इट्स मूविंग इन अ फास्ट पेस एंड पीपल आर अर्निंग गुड इनकम्स. तब उस टाइम पे उनका कितना विलिंग टू स्पेंड है दैट हाउ मच दे एक्चुअली विश टू स्पेंड. और अगर उनकी इनकम कम हो रही है. ठीक है. रिसेशन आ गया या जैसे सपोज अभी ये जो पेंडेमिक है तो इस टाइम पे सबकी इनकम पे इफेक्ट पड़ा है. ठीक है. तो अब इस टाइम पे हमारा जो जनरल थ्योरी है दैट व्हाट आर वी एक्चुअली प्लानिंग टू स्पेंड तो दैट डिपेंड्स ऑन
एग्रीगेट डिमांड. तो दैट इज़ हाउ एग्रीगेट डिमांड इज काउंटेड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप नीचे ये बॉक्स में जो डेफिनेशन दिया है उसे पढ़ें तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इंकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. तो यही सारी ऑब्जर्वेशंस हमने ऊपर पढ़ी हैं कि एक तो ये जो है एक्सपेंडिचर होता है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जो पीपल प्लान करते हैं टू यू नो टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज जो पूरे अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस किए जाते हैं जब और रेफरेंस ली जाती है उनकी इनकम से कि जितनी उनकी इनकम होती है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेंडिंग करते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. नाउ इफ़ यू विल सी आई हैव टेकन अ टेबल फ्रॉम द बुक एडी स्केड्यूल कि हम बिहेवियर ऑफ एडी की एडी जो है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे दिस वाई इज़ नोन एज इनकम. ठीक है. और एडी इज़ एग्रीगेट डिमांड या जिसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं. तो एडी जो है यू नो इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी द बिहेवियर ऑफ एडी विल बी स्टडीड विद द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. तो अब हम ये चेक करेंगे कि जैसे जैसे इनकम जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ती है या नहीं बढ़ती. तो इफ़ यू लुक एट द स्केड्यूल वाई जब हमारा ज़ीरो है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड 30 है. नाउ यू विल कंसिडर यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि जब हमारी इनकम ज़ीरो है तो हमारा एक्सपेंडिचर 30 कैसे हो सकता है. तब भी एग्रीगेट डिमांड 30 कैसे आ सकती है वेन वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. तो अगर आप ये फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करें तो कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर जो है हर टाइम पे इकोनॉमी में करना ही पड़ता है फॉर द बेसिक सर्वाइवल. ठीक है. तो अगर इनकम ज़ीरो भी है तब भी आपको देखो कुछ तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा ना. जैसे अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है ही इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग राइट नाउ. ठीक है. ही इज़ एट ज़ीरो इनकम बट स्टिल ही हैज़ टू ईट फूड. He needs clothes to wear. He needs a place to live, right? तो जब एक किसी इंसान की इनकम ज़ीरो भी होती है वो तब भी बेसिक सर्वाइवल के लिए खर्चा करता ही करता है. एंड दिस स्टैंड्स फॉर एन इकॉनमी ऑल्सो कि अगर इकॉनमी में ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम है तब भी इकॉनमी को एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ता है. अब वो जो स्पेंडिंग होती है इट माइट बी फ्रॉम योर अर्लियर सेविंग्स जो पिछले साल की आपकी सेविंग्स रही है आप उसमें से कर सकते हो या फिर आप बोरोइंग यू कैन बोरो फ्रॉम अदर पीपल यू कैन बोरो फ्रॉम बैंक एंड देन यू कैन डू दैट लेवल ऑफ स्पेंडिंग. सो दैट इज़ वाई व्हेन वी हैव ज़ीरो इनकम स्टिल आर प्लान्ड एक्सपेंडिचर वुड स्टे एट 30. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इफ़ यू सी अनदर पैटर्न व्हेन आर एग्रीगेट डिमांड इज़ इंक्रीजिंग व्हेन इनकम इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है. तो ऑब्वियसली इट हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशन. वी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट डिमांड एंड इनकम आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर. सो यू कैन सी कि आज ये जो कर्व दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि हमारा एक कर्व है. अब इस कर्व में जो ये आई जो ग्रीन कर्व दिया हुआ है दैट स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल टेक इट इन दी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस. आगे के टॉपिक्स में इसके बारे में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी दैट वाई आई इज़ देयर. ठीक है. और ये वाई दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट लाइन इन्वेस्टमेंट की ये हम बाद में. अभी के लिए एडी कर्व के बारे में समझने के लिए आपको दो कर्व्स पे फोकस करना है. एक है सी प्लस आई जिसको एडी कर्व दिया गया है एंड नेक्स्ट इज़ इनकम. ठीक है. तो इनकम अगर आप देख सकते हैं ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और फिर जैसे धीरे 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 बढ़ता जा रहा है तो इनकम इज़ अपवर्ड स्लोपिंग. और एग्रीगेट डिमांड सिंस हमारा इनकम पे डिपेंडेंट है तो जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हमारा डिमांड जो है वो 30 आ रहा है. एग्रीगेट डिमांड इज़ कमिंग टू बी 30. ये रीज़न मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तो हमें तब भी सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक स्पेंडिंग जो है वो करनी पड़ती है. तो दिस इज़ द रीज़न दैट एट इनकम लेवल ऑफ ज़ीरो वी आर स्टिल स्पेंडिंग सम 30 रुपीज़ और यू नो सम वी आर मेकिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 30. ठीक है. सो यू कैन सी दैट एज आर इनकम इज़ गोइंग अपवर्ड जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है. एंड देर इज़ अ पॉइंट वेयर आर इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड दिस इज़ नोन टू बी ई. ठीक है. यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गई. इसके बाद हमारी इनकम भी बढ़ती जा रही है और हमारा एडी भी बढ़ता जा रहा है बट एट अ सर्टन लेवल ऑफ इनकम इज़ रीच एडी लैग्स बिहाइंड वाई. ठीक है. तो जब हमारी इनकम 60 हो गई
देन आर एडी इज़ 45 एंड लाइक वाइज जैसे इनकम बढ़ती जा रही है हम अपनी डिमांड को कम करते जा रहे हैं। आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है हमारी डिमांड और बढ़े, बट ऐसा नहीं है। इनकम हमारी ज़्यादा है, आर इनकम इज़ 60 एंड वी आर स्टिल स्पेंडिंग एडी दैट इज़ 45 वैन आर इनकम इज़ 80 वी आर स्टिल स्पेंडिंग वी आर स्टिल स्पेंडिंग और मेकिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 50। तो वाई दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, राइट। तो जब हमारी इनकम बढ़ने लग जाती है उसके बाद एक पॉइंट पे आके हम जो है सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सो एज़ यू कैन सी कि जब तक इनकम ज़ीरो थी तब एक्सपेंडिचर 30 था, जब इनकम 20 हुई तो एक्सपेंडिचर 35 हो गया। अभी भी इनकम जो है एक्सपेंडिचर से कम है तो सेविंग्स का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। फिर हमारी इनकम हुई 40 और एक्सपेंडिचर भी 40 हो गया, तो देर इज़ नो सेविंग्स अगेन। बट नाउ व्हेन आर इनकम इज 60 वी आर स्पेंडिंग 45, तो 60 माइनस 45 ये जो 15 रुपीज़ बच रहे हैं ये हमारी सेविंग्स है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट एडी इज़ बिहाइंड द इनकम। इस पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम के राइट साइड पे आके अगर आप देखेंगे आपका जो इनकम है वो ऊपर है और आपका एक्सपेंडिंग जो है वो नीचे है, तो दिस डिफरेंस इज सेविंग फॉर यू। ये भी हम जो है इसके बाद जो टॉपिक्स होंगे उसमें और अच्छे से कवर करेंगे। सो फॉर नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर कर्व एडी कर्व एंड इज़ यू नो अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन इन द टर्म्स ऑफ इनकम ऑफ द पीपल एंड दिस एडी इज़ सी प्लस आई, आई इज़ इन्वेस्टमेंट फॉर यू, आई जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। इसके बारे में हम और फर्दर डिस्कशन करेंगे। ज़ीरो पे 30 कंजम्पशन है क्योंकि हम बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ स्पेंडिंग करते ही करते हैं, वो बेशक हम बोरोइंग्स लेके करें या हम अपने पिछले साल की सेविंग्स को भी यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एन एडी कर्व इज़ ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द एडी स्केड्यूल। तो वी टेक द रेफरेंस ऑफ इनकम वाइल वी आर डूइंग द एडी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एग्रीगेट डिमांड फॉर यू। इन आर नेक्स्ट टॉपिक हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ एडी समझेंगे। सो प्लीज़ यू जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक, रीड इट फ्रॉम द बुक, वीडियो को अच्छे से समझिए पढ़िए और ट्राई टू यू नो गेट द जिस्ट ऑफ इट। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।